कर ले क्या। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आजिम भाई और मैं साथ में आगरा घूमे, मेरा मन क्या कि बचपन से ख्वाहिश थी कि मुंबई शहर घूमने आऊँ। तो अजीम भाई ने बोला चलो भाई हमारा घर तो बॉम्बे शहर में ही है, भिवंडी है ना जगह का नाम, भिवंडी। और आज लगभग 4 दिन हो गए और आज भैया हम खा रहे हैं भैया पनीर की सब्जी, ठीक है ना, पनीर की सब्जी खा रहे हैं। तो अजीम भाई हाँ, दुबई सऊदी में हम लोग साथ रहते थे, है ना, बराबर हमें साथ रहते हैं, बराबर आपने अपने घर में बुलाया। हाँ, अब उत्तराखंड कब आ रहे हो ये बताओ, एक आध महीने में थोड़ा ठंडी कम हो जाए उसके बाद आता हूँ। नहीं हीटर है हमारे घर में, टेंशन नहीं है, तो बाहर तो ठंडी है ना। आप आ जाओ बस, कब आ रहे हो बताओ, एक आध महीने बाद आऊँगा। पक्का? पक्का 100%। तो दोस्तों ये आप बात नोट कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि भाई मैं तो यहाँ पे आया मुंबई शहर घुमा फिरा, एक दुबई में ज़्यादा फर्क नहीं है। आज पहाड़ों में आओ ना उत्तराखंड, कभी आप गए? कभी नहीं गया, आज तक नहीं गया। जिंदगी अलग है, जिंदगी वहाँ की अलग है, लेकिन जो ठंडी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह वहाँ जरूर आऊंगा। पक्का वादा हुआ 100%। वैसे बाकी बातें जो है बाहर कर लीजिए आराम से। चलो ठीक है। हाँ अभी खाना खा रहे हैं, क्या बात करें, बाकी जो है कुछ बातें डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे यहाँ चलता रहा हिंदू मुस्लिम वाला सिस्टम। अच्छा, तो अभी जैसे आप हमारे घर पे हैं तो कैसा फील हुआ, कैसा क्या हुआ, तो बाहर आराम से बैठ करके बातें करेंगे। अच्छा क्यों, जब कौन खतरे में, आपकी मैं? सही है। तो भैया रात में हम लोग खाना खा रहे थे तो पूरी बात हो नहीं पाई, बात रह गई थी अधूरी, तो और सुबह में टाइम नहीं मिला और सीधे हम आ चुके हैं मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया पे। विक्रांत भाई, गेटवे ऑफ इंडिया पे आकर के कैसा लगा और मुंबई शहर कैसा लगा आपको? मुंबई शहर बहुत अच्छा लगा। हाँ। मौसम थोड़ा गर्म है। हाँ। पर क्या करें, यहाँ के लोग नरम है। हाँ ये है कि नहीं। हाँ। और धूप यहाँ पे बहुत तेज है गेटवे पे। हाँ। भिवंडी में थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा था। हाँ अच्छा, तो ऐसे कहाँ कहाँ गए घूमने के लिए? हम लोग भिवंडी गए और यार मुंबई लगभग सारे घूमे, सारा घूमे, जू घूमे, वो क्योंकि मुझे नाम याद नहीं है पर लगभग सारे घूमे, ब्लॉग आएंगे, ब्लॉग देखिएगा सारे। हाँ ये तो बात सही। अच्छा एक बात बताओ। हाँ जी। अभी जैसे कि आप मेरे यहाँ आकर के रुके हो जी, तो क्या मतलब फील हुआ, क्या एहसास हुआ मेरे यहाँ रुकने का? मुझे बहुत परेशानी हुई। क्या परेशानी हुई? बहुत ज्यादा कि यार अम्मी ने आपकी इतना खिलाया कि मुझे लगता है मेरा वजन ऑलरेडी 98 था। हाँ। वो 110 हो चुका है पक्का। देखिए भाई वो कहते हैं ना कि मेहमान जो है भगवान का रूप होता है, और पर इतना कौन खिलाता है भगवान को। मेहमान जब आता है घर पे ना तो रोजी रोटी साथ में बरकत आती है, ये हमारा मानना हमारा विश्वास है, तो भाई वो तो हमारा फर्ज है। वैसे हमारे यहाँ करके कैसा लगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बहुत अच्छा। या फिर कोई मतलब जैसे भेदभाव टाइप का कुछ लगा? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, वही खाना आप खाते हैं वही खाना हम खाते हैं। और न्यूज वगैरह में जो चीजें देखते हैं वो तो ध्यान देनी नहीं चाहिए, मैं बताऊँ सच में, अगर वो आदमी ध्यान देगा ना मैं बताऊँ ये आपसी दुश्मनी ऐसी पैदा कर देगा। सही। वैसे देखिए जैसे कि मैं आगरा का ब्लॉग जब मैंने डाला होगा, मैंने आपके रिश्तेदार के पास जाकर के रुका हुआ जी, था, देखिए आपके घर पे रुका, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और मैं हूँ मुस्लिम आप हैं हिंदू, आप मेरे घर आकर के रुके, कोई दिक्कत? कोई नहीं, क्योंकि ना आदमी वही संस्कार है। देखो अगर मेरे माँ बाप को पता होता ना मैं किसी मुस्लिम के घर जा रहा हूँ, या आपके माँ बाप को पता होता किसी हिंदू को लेके आ रहे हैं, हालांकि पता था, बट घरों के संस्कार से पता चलता है कि भैया आप कहाँ से आ रहे हो और आपके घर के आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया। मैं चीज तरबियत होती है, इंसान का जो है तरबियत कैसी दी जाती है, उनको क्या चीज सिखाई जाती है, मैं सब ये चीजें डिपेंड होती है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों यही हम लोग विक्रांत भाई आए थे यहाँ पर घूमने के लिए, अब घूम घाम करके यहाँ से चलते हैं कहाँ, अब सीधे भिवंडी, क्योंकि आज विक्रांत भाई की है ट्रेन और ये जा रहे हैं देहरादून। पहले उज्जैन जाओगे ना? हाँ उज्जैन, एक दिन उज्जैन, उज्जैन में जाएंगे, वहाँ पर अपना जो है क्या बोलते हैं महाकाल का मंदिर है, महाकाल का मंदिर है वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से जाएंगे देहरादून, फिर बहुत जल्दी हम और फिर मिलने वाले हैं एकदम दमदार व्लॉग के साथ। ये अभी हम आ चुके हैं भिवंडी रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि विक्रांत भाई जो है आज जा रहे हैं, उनकी ट्रेन है शाम को 7 बजे की, तकरीबन 15-20 मिनट बचा हुआ आने के लिए, और ये देखिए टिकट अपना चेक कर रहे हैं। हाँ विक्रांत भाई, भैया आज तो ट्रेन छोड़वा दिए थे तुम? अरे मैं सो गया। चलिए अभी 4 नंबर पे आएगी ना। हाँ चलिए, सामान सब सेटिंग हो गया, सब कुछ हो गया, टिकट हाँ टिकट जेब में रख लो, हाँ जेब में। फाइनली हम आ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और गाड़ी का वेट कर रहे हैं, और आज तो विक्रांत भाई ने बहुत बड़ी गलती कर दिया, इनको ये सोच रहे थे कि हमारा टिकट है कितने का, 8:30 बजे का। हाँ मैं जो मेरी देहरादून वाली ट्रेन है ना, देहरादून उज्जैन से देहरादून इनकी दूसरी ट्रेन है, ये 8:30 बजे सोचे, और उसके भैया हम भी अस्थिर थे, फिर ये हुआ कि ये सोए थे, मैंने सोचा लाओ टिकट चेक कर लेता हूँ,
टिकट मैंने देखा यार 7 बजे की, मेरा दिमाग आउट हो गया। मैंने बोला भैया जल्दी करो, अलग घर पे खाना होना सब कुछ बना था, लेकिन खाना भी मैंने खाने नहीं दिया। मतलब अगर खाना खाएंगे ना मेरे भाई तो ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन हमें क्या पता कि वक्त कुछ और है। यहाँ पे आने के बाद आधा घंटा से इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन जो है 1 घंटा तकरीबन लेट है। ट्रेन में लड़की में ज्यादा फर्क नहीं है, इंतजार करवाती है बस ट्रेन छोकरी, कभी भरोसा नहीं करना। तो बहरहाल जो है अब विक्रांत भाई जा रहे हैं, तो बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे, लेकिन मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि पूरा भिवंडी अभी, पूरी भिवंडी भी और पूरी मुंबई भी ये ब्लॉग नहीं शूट कर पाए, क्योंकि मुंबई शहर आप लोगों को पता ही है काफ़ी बड़ा है, और एक दिन में थक भी गए हम लोग ना, थक भी गए, और एक दिन में 1 से 2 ही ब्लॉग शूट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी ट्रैफिक है ना, आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। ये तो बहरहाल हमारे पास बाइक और इस समय ना दोस्तों हमें और हमें आप लोगों ना, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है जी, क्योंकि हम लोग। और देखिए मैं विक्रांत भाई की लिंक जो है ना ये भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मेरे भाई दिल खोल करके सपोर्ट कर। देखिए नौकरी छोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं, किस लिए आए हैं? आप लोगों को प्यार मोहब्बत के लिए मेरे भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ना हम असल में जो अभी तक हम वीडियो बना रहे हैं ना, हम लोग अपने माइंड सेट से बना रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम परदेश में रह के ना यहाँ मिस करते थे जी हाँ, हमें बस आप थोड़ा सा ये गाइड कीजिए कि आगे जाके ना मतलब आप लोग क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए किसी भी कंट्री में घूमना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर कौन सी कंट्री में जो है, कौन सी कंट्री की वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर किस टाइप का ब्लॉग देखना चाहते हैं, मार्केटिंग और एक्सेप्ट जॉब यार, क्योंकि यार वो किसी के हाथ में नहीं है भाई। मैं आपको बताऊँ कि कोई अगर आपको बोलता है ना कि मैं तेरी जॉब दिलवा दूँ, तो फर्जी है भाई, फर्जी है सीधा सीधा। तो बहरहाल मेरे दोस्तों तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, और विक्रांत भाई का भी दिल खोल करके सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है? तो फिर किसी और वीडियो मिलेंगे, और कहाँ हमें जाना चाहिए साथ में तो ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भैया हमारी ट्रेन आ चुकी है, और देखिए यार कितना रश, कितनी भीड़ है यहाँ पर, देख रहे हैं ना, ये यस वन है।